सो गाइस तलब के न्यू आ चुका हूं, देखते कौन से नए एनीमे जो माल के अंदर अभी टॉप 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है जो सब लोगों को देखना चाहिए। लीजेंड बियॉन्ड जर्नीस एंड, ये एनीमे शुरू करने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था इस एनीमे के नाम के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला है। बियॉन्ड जर्नीस एंड एक जर्नी की प्रॉपर्टी होने के बाद हम लोग आगे की चीजें देखने वाले हैं। इस एनीमे के अंदर हम लोग एक ही टाइम पे दो अलग-अलग जर्नी को एंजॉय करते हैं, जो एक पास्ट में हुआ जो एक प्रेजेंट में चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीट आवर मेन कैरेक्टर जिसका नाम से एनीमे है, प्रियन, हु डजंट फील एनीथिंग, शी डजंट वैल्यू एनीवन, जो हम लोगों को शुरू में पता चला आसपास के जितने लोग हैं वो उन लोगों की इमोशन नहीं समझती है। एंड या शी इज एन एल्फ लिविंग फ्रॉम अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम। आज इस वाले वीडियो के अंदर आई विल डिस्कस अबाउट हर जर्नी। द स्टार्टिंग ऑफ दिस एनीमे इज सो प्योर एंड ब्यूटीफुल। शुरू में हम लोगों ने देखा चार लोग मिलकर अपने टाउन में वापस जा रहे हैं एक बहुत ही लॉन्ग लास्ट बैटल खत्म करके। जब मैं बोल रहा हूं लॉन्ग लास्ट, आई रियली मीन इट। 10 साल तक ये चारों एक साथ एक एडवेंचर पे थे जहां पर वो लोग हराने गए थे डीमन किंग को। फिरन के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी बता के रखा है। और ये हमारा वार का हीरो हिमिल, एंड हियर इज अ प्रीस्ट जिसका नाम है हेटर, एंड ही इज हेसन। चारों मिलके गए थे एक वार पे और वो वार खत्म करके डीमन किंग को मार के वो लोग वापस आ रहे थे। और सारे के सारे टाउन के लोग उनके स्वागत कर रहे थे वहां पर। सारे के सारे लोग बहुत ही जोरदार से सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहां का जो किंग है इन चारों की जम की तारीफ करता है, बोलता है उस टाउन का जो प्लाजा है उनके बीच में एक उनका स्टैचू लगाने वाला है, जिससे बहुत ही लंबे टाइम से दुनिया के लोग उनको याद करते रहेंगे। और यहां से शुरू होती है एक न्यू एज, एज ऑफ पीस। हम लोगों को पता है मिशन एडवेंचर जब स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके वो खत्म भी हो जाती है। यहाँ पर जो चार वार की पर खत्म हो जाती है और इन चारों में से तीन इंसान थे और ये जो लड़की है फ्रीडन, शी वाज एन एल्फ। और डीमन किंग को हरा के वो वार जीतने के साथ साथ ये ब्यूटीफुल एडवेंचर यहीं पर खत्म हो जाती है। और हमारी जो फ्रीडन है वो उन लोगों को गुड बाय बोल के चली जाती है। एज आई ऑलवेज सेड, शी इज एन एल्फ, उसके लिए उतना टाइम वैल्यू नहीं करता है, बिकॉज जो एल्फ है वो लोग हजार सालों तक जीते, उनके लिए 50-100 साल कुछ भी नहीं है। और स्टोरी के अंदर हम लोग देखते हैं 50 साल बाद फ्रीडन फिर से वापस आती है एक दिए गए प्रॉमिस को निभाने के लिए। बट इस बार जब वो वापस आती है वो देखती है कि हमारा वार हीरो हिमल है, he has grown so very much old. तो हम लोगों ने देखा he was so energetic, बहुत ज्यादा handsome, but time के सामने वो कमजोर हो जाता है। हम सब लोग कमजोर है एंड वो ऐसा बन जाता है। आगे वो सारे के सारे एक साथ चलने लगता है, जाता है एंड जो प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल करता है। पक्का ही होगा कि एक बार आखिरी बार सब मिलेंगे obviously. एंड एट सम पॉइंट हमारा जो वार हीरो हिमल है वो गुजर जाता है एट एन ओल्ड एज। यहीं से शुरू होती है रियल स्टोरी जहां पर हम लोग देखते हैं फ्रीडन को बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए वो जो 10 साल उसके साथ उसने गुजारा, क्यों अच्छे से उसको नहीं जान पाया, क्यों अच्छे से उसके साथ उसने टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, क्यों वो 50 साल बाद ही उससे मिलने आई। एंड दिस इज व्हेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, अ ब्यूटीफुल जर्नी जहां पर हम लोग वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ पीपल और फ्रीडन की ऐसी मेमोरीज देखते हैं जो पूरी कर्स लगने लगेगा, से खाली करके रखता है। क्यों ना इस एनीमे के अंदर एक ही टाइम पर हम लोग को दो दो जर्नी दिखाया जाता है, जो पास्ट में फ्रीडन अपने 10 साल ही मिलल बाकी लोगों के साथ स्पेंड किया और जो प्रेजेंट में वो स्पेंड करते हुए जा रही है। आगे इस एनीमे के बहुत सारी चीजों को लेकर बात करना है, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर। 14,000 आ गए, स्मूथ ऐसा नहीं कि एक फुल पैक ऑफ एक्शन तुम लोगों को देखने को मिल रहा है, नो, बट एक ब्यूटीफुल जर्नी जहां पर तुम लोगों को हर एक एपिसोड के अंदर एक सैडनेस का तुम्हें तड़का लगा के चला जाएगा। स्टोरी स्मूथ चलती जाएगी एंड बीच में तुम लोगों को फ्लैशबैक देखने को मिलेगा एंड फॉर दैट रीजन तुम अंदर से खाली हो जाओगे। इस पूरे एनीमे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को जो लगा वो है टाइम। जिस तरह से टाइम के बाद टाइम जाता है आसपास की चीजें चेंज हो जाती है, बट जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो वैसे की वैसी होती है। जो नए लोगों से वो मिलती है, बॉन्डिंग बनाती है, बट एट सम पॉइंट टाइम के साथ साथ वो लोग चले जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स फ्रीडन जो एकदम से अकेली पड़ जाती है। बिकॉज हम जो इंसान हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हम एक टाइम पर जाकर मर जाएंगे। एल्फ जो है वो हजारों साल तक जीती है, जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है वो बनाती है आसपास के साथ, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही लंबे टाइम से हिट करते हुए जाती है। टॉर्चर करता है एनिमे के सीन 128 एपिसोड्स है, बट मांगा आगे पढ़ने के बाद तुम देखोगे गर्मी के आगे तुमको वो सैडनेस मिलती हुई जाएगी। एंड यू आर गोना डेफिनेटली फील फॉर फ्रीडन। और वो जो हिमल कैरेक्टर है जिसके बारे में हमारी फ्रीडन हमेशा सोचती रहती है, सबसे इमोशनल पार्ट तो ये है कि फर्स्ट चैप्टर के बाद से हिमल बेसिकली ओनली लीव्स ऑन थ्रू फ्लैशबैक। एंड ये पूरे एनिमे के अंदर हम लोग ऐसा फील करते हैं हमारा पुराना खोया हुआ दोस्त है जिसे कभी हम लोगों ने मिला भी नहीं। इसकी स्टोरी टेलिंग इज सो प्योर कि एनिमे देखते वक्त तुम एकदम अंदर घुस जाओगे। एंड ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो फ्रीडन की जर्नी के साथ और भी अच्छे से कनेक्ट कर देता है। एंड हियर इफ आई टॉक अबाउट द एनिमे, it's so pure and aesthetically beautiful, and I don't know if it's only me, but ये anime देखते वक्त मेरे को ऐसा लगा कि मैं Genshin Impact game खेल रहा हूँ, because वो जो जगह है, कुछ moments है, मेरे को वो Genshin Impact की vibe देने लगी। इस anime के दो या तीन नंबर episode पे एक बहुत ही heartwarming plot है, वो priest की बात कर रहा, बोल रहा था immortality के बारे में। Frieren तो इसके बारे में सबको जान रही थी, spell collect कर रही थी, सीख रही थी, वहाँ पर उसको भी train कर रही। I'm talking about Frieren, but बाद में हमको जाके पता चला it's so fake, and then they start traveling together, and Frieren को finally कोई मिल जाती है। और यहाँ पर इस anime का सबसे beautiful part मेरे को लगा, Frieren was already over 1000 years जब वो Himmel के party को join करी थी, और ये हमको समझने के लिए enough है how much her perspective has changed so quickly, भाई, because पहले हजारों साल फ्रीडन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, नेवर वैल्यूड एनीवन, नेवर फेल्ट एनीथिंग, लोगों को समझने के बारे में वो सोचते भी नहीं थी, बट वो 10 साल की जो जर्नी थी हिमल के साथ वो उसको एकदम से चेंज करके रखा। नॉट ओनली डज शी ट्रूली वैल्यू द 10 इयर्स शी स्पेंट विद हिमल्स पार्टी, बट शी रिमेंबर्स एवरीवन अलोंग विद द जर्नी। जर्नी के चलते जितने लोगों से वो मिला है, सारे लोग उसको याद है, जो आगे के एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलता है। एक के बाद एक इस एनीमे के अंदर हम लोग को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया, यू नेवर नो व्हाट यू हैड अंटिल इट्स गॉन। इस जर्नी के अंदर हम लोग को बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया कि लिव इन द मोमेंट, जो तुम्हारे लिए बस 10 साल है दैट कुड बी 10 होल इयर्स फॉर अदर्स। इस एनीमे के अंदर एक और डिटेल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने देखा वो जो फेरन है फ्रीडन के साथ गई, वो शुरू में उसकी छोटी बहन की जैसी थी, टाइम के साथ चलते चलते वो बड़ी होती गई, जो फ्रीडन है वो वैसे की वैसी थी। एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा शी प्लेड मदर्स रोल। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड येट सो इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग। जिन लोगों ने मांगा ट्राई नहीं किया, मैं बोलूंगा ये एनीमे कॉट अप करने के बाद तुम लोग मांगा में शिफ्ट हो जाओ, मांगा बहुत ही बढ़िया। बाकी एनीमे तो माल के दो नंबर पोजीशन होल्ड कर, तो मेरे को लगता है बट अगर नहीं देख रहे हो तो मैं बोलूंगा ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एनीमे के बारे में मैं एक कमेंट रीड करूंगा। वीडियो यहां तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा दबा के ऑल पे सेट करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।